हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 12। तो बना रही हूँ सिंपल सी मैगी, बिकॉज पापा, हस्बैंड, मम्मी सब खा चुके थे, बस मैंने और बेटू ने नहीं खाया था। तो सिंपल सी मैगी बना रही हूँ, कुछ नहीं डालूंगी आज। हल्का सा ज़ीरा डाल दिया मैंने। तो गाइस, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। गाइज, अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 के करीब। मैं और मम्मी बैठे धूप ले रहे हैं ऊपर वाली बैल्कनी में, बिकॉज मुझे बहुत ठंड लगती है। तो इतने टाइम मैं और मम्मी थोड़ा बहुत बैठते हैं धूप में। तो मम्मी ने मुझे बोला भी, तुम कॉटन के कपड़े पहने हुए चेंज करो, वरना बहुत ठंड हो जाएगी शाम तक। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 4:30 अराउंड, और अभी जो छोटी वाली दीदी है उनके देवर आए हुए हैं, प्रदीप भैया आए हुए हैं। तो उनके लिए चाय बना रही थी मैं, और नमकीन वगैरह सर्व कर रही थी। तो गाइज, आज चाय दे रही हूँ कुल्लड़ में सबको, क्योंकि ठंड के टाइम पे यही वाले कप यूज़ होते हैं। मेरे पास और भी नए नए सेट रखे हुए, बट वो मैं निकालूंगी कुछ समय के बाद, अभी तो इसी में पीने दो चाय। तो गाइज, मैं चाय लेके गई हूँ, भैया फ़ोन पे लगे थे, क्योंकि वो बिजनेस मैन है तो पूरा टाइम कॉल पे रहते हैं। तो अभी भी उनका फ़ोन ही चल रहा है, और मैं बगल में बैठ के वेट कर रही हूँ कब उनका फ़ोन कटे तो हम उनको चाय दें। गाइज, हम लोग बातें वगैरह कर रहे हैं और चाय भैया पी रहे हैं, मैं तो नहीं पी रही हूँ, बाकी सब पी रहे हैं, मम्मी, हस्बैंड और भैया। मैं चाय नहीं पी रही, उसकी वजह क्या बाद में बताऊंगी। बाय बाय, आते रहिएगा। वैसे वैसे तो बैठे हुए थे, लेकिन उनके जाते ही चले गए, ये गलत बात है भैया। तो क्या हो गया? पर जब तक ये थे तब तक तो आप बैठे थे, उनके जाते ही आपको भी याद आ गया। उसका फोन नहीं आता ना, तो मैं जाता नहीं। आप लोगों को तो इतना भी नहीं कि हमें कोई मोमोज ही खिला लाए, कुछ करा लाए। मोमोज ना? हाँ। ना ना ना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे ऐसी मजाक कर रहे? नहीं, मजाक नहीं समझ में आता है आपको? खुशबू तो यार मुझे खूब आ रही है, नाक मेरी तगड़ी वर्क करती है, चाहे जुकाम क्यों ना हो। गाइज, लगभग 5:30 हो रहा है, और मैं बना रही हूँ अपने लिए टोमेटो सूप। थोड़ा गरम गरम पीना था मुझे, इसलिए आप लोग भी पी लीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपकी दोस्त हनी। गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग तो मस्त जबरदस्त हो गए, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:15 हो रहा है। मम्मी गई हुई हैं दूध का डब्बा रखने के लिए, और पूजा पाठ करके गई हैं अभी। तो पूरे घर में अगरबत्ती वाली इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, एकदम मूड फ्रेश हो गया बिल्कुल। मेरे को गाइस इतनी ठंड लग रही थी, मम्मी कह रही तुम और कुछ मोटा पहन लो, कंबल ओढ़ लो। मैंने कहा मम्मी कंबल ओढ़ लिया तो फिर कंबल ओढ़ के बैठी रहूँगी। तो क्योंकि गाइस मेरी दरअसल ना अभी तबीयत में लाइट जरा कुछ कम है, लाइट मेरी तबीयत दरअसल कुछ ख़राब चल रही है कुछ दिनों से। मेरे को जुकाम खांसी बहुत हो गया था, अब फिर भी इतना है कि इतना थोड़ा कम हो गया, वरना तो बहुत हो गया था मुझे। तो गाइस, अभी मैं घर में हूँ अकेली, क्योंकि पापा गए हैं बेटू को लेके पार्क, मम्मी गई है दूध का डब्बा रखने। तो मैंने कहा हम क्या करें। देखिए, मैं अपना व्लॉग देख रही, टीवी में लगा के कल वाला व्लॉग देख रही थी। कुछ ब्लॉग क्योंकि ऐसे है ना, मुझे भी मन करता है मैं देखूं, तो अकेले में बैठ के देखती रहती हूँ। मैंने एक पुराना ब्लॉग और देखा था, अभी काफ़ी पुराना, 1 साल पुराना, जब हम लोग कैला देवी मंदिर देखने गए थे ना, राजस्थान वाला, वो बालाजी मंदिर। तो अभी वो देखा था, उसका जो ट्रैवलिंग ब्लॉग था जो, वो देखा था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो, तो मम्मी को भी दिखाया मैंने साथ में। फिर मम्मी आरती पूजा करके गई। तो गाइस, आज मैं चाय वगैरह कुछ पीऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, लगभग ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लगभग 10-12 दिन से हो रहा है, मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं करती बिल्कुल, क्यों कर नहीं रही मालूम नहीं। जबकि गर्मियों के टाइम मुझे चाय इतनी अच्छी लगती थी, और अब सर्दियाँ आ गई है तो चाय अच्छी नहीं लग रही है। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, उसके बाद मेरा मन एकदम ख़राब हो जाता है। तो मैंने मम्मी से कहा भाई मेरे को तो चाय नहीं पीनी है। तो अभी तो खैर नहीं, अभी तो टाइम बहुत लेट हो गया, तब भैया आए हुए थे,
उनके लिए बनाई थी, तब सबने पी ली थी तो मैंने तो पी नहीं, पर मैं सोचा टोमेटो सूप पी लूँ तो मैंने अभी टोमेटो सूप पी लिया था क्योंकि मेरे को जुकाम है ना। मम्मी ने कहा तुम्हें कुछ गर्म पीना ज़रूरी है, तो मैंने टोमेटो सूप बना के पी लिया है। और व्लॉग क्या ले रहे हैं मज़ा। चलिए गैस मिलती हूँ थोड़ी देर में, जल्दी फिनिश करो बोल दिया। सिक्स, 87, जल्दी पियो। देखो वहां सब देख रहे हैं कि आपको दूध पिलाने के लिए मेरे को कितने जतन करने पड़ रहे हैं। गाइस आप लोगों को मूंगफलियां पसंद है, पापा लेके आए हैं बिल्कुल फ्रेश, खाएंगे खिलाऊं। ओ खत्म कर दिया, दिखा दिया ग्लास, मूंगफली खाओगे? भर गया मम्मी, खा क्यों दे रही हो, आओ खाओ आके। गाइस आज हम लोग बनाएंगे मूली के पराठे। मम्मी कह रही उन्होंने लाइफ में कभी मूली के पराठे नहीं बनाए, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी आप देखना। तो आज मम्मी देखेंगी, और मम्मी ने ग्रेट कर दिया है मूली को, बाकी का काम हम करेंगे ये मूंगफली खाने के बाद। मम्मी खा लो दो चार। गाइस आप लोग देख रहे हैं ना मेरे को इसको खाना खिलाने में या दूध पिलाने में कितना दिक्कत आती है, कितना कन्विंस करना पड़ता है इसको दूध खाने के लिए। गाइस ये मूंगफली वाले जो ये जो एक मसाला साथ में देते हैं, देखिए इस पुड़िया में बंद होता है, अच्छा टेस्ट होता है इसका, घर में ऐसा मसाला नहीं मिलता है। मूंगफली की दाल डालो, नमक लिक करो, मतलब वो मसाला। गाइज मम्मी ने मूली को ग्रेट कर दिया था, अब बाकी का काम कर रही हूँ मैं। तो दरअसल पराठे बनाने, तो इसको पूरा अच्छे से निचोड़ लेंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो इसको फ्राई नहीं करती हूँ, नहीं तो कोई कोई लोग इसको निचोड़ के फ्राई करते हैं कढ़ाई में मसाला वगैरह डाल के, मैं लेकिन वैसे नहीं करती हूँ, सिर्फ ऐसे ही निचोड़ लेती हूँ और इसमें सारे सूखे मसाले मिला लेती हूँ, और थोड़ा जैसे ये सब चाट मसाला, नमक, रेड चिली पाउडर, और गाइज थोड़ा सा मैंने इसमें वो जो मूंगफली वाला जो पुड़िया आई थी ना उसमें जो चाट मसाला था या क्या था पता नहीं, वो बड़ा टेस्टी लग रहा था मुझे, तो वो भी मैंने लगभग इसमें डाल दिया था एक पुड़िया। उसके बाद इसको करा अच्छे से मिक्स, और स्टफिंग मैंने गाइस रेडी कर दी है, और बाकी और भी काम है मुझे, तो मैंने इसको हल्का सा रख दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी डिनर का टाइम हुआ नहीं था, लगभग 8 बज रहे थे और मुझे खाना बनाना था 8:30 बजे। तो मैंने कहा तब तक मेरी एक वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस समय। गाइस टाइम हो गया डिनर का, तो बनाने जा रही हूँ पापा के लिए पराठा, क्योंकि पापा जल्दी खाएंगे और सो जाएंगे, और पापा ने भी लाइफ में कभी मूली पराठे नहीं खाए हैं, क्योंकि मम्मी ने लाइफ में कभी बनाए ही नहीं थे ये जी, मुझे मम्मी से पता चली अभी, मतलब पराठे बनाने से पहले जब मैंने कहा मम्मी मूली पराठा बनाएंगे आज, तो मम्मी कह रही हनी हमने तो कभी लाइफ में नहीं बनाए, कैसे बनते हैं। मैंने कहा आज मैं बनाऊँगी, अब तब देखना कैसे बनते हैं। तो गाइस बन रहे हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे, थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे तो और टेस्टी हो जाएंगे, लेकिन वो मैं सिर्फ हस्बैंड को खिलाऊंगी, पापा मक्खन वगैरह नहीं खाते हैं,
क्योंकि मक्खन वगैरह में उनको फैट होता है और बेफालतू में पापा को ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो खा लीजिए आप लोग भी। अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:00 ऑलमोस्ट हो रहा है। अभी डिनर हमारा ख़त्म हुआ है, मतलब मेरा, मैंने सबसे एंड में खाया आज जब पापा खा रहे थे, तो फिर पापा का लगभग ख़त्म होने वाला था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप भी गर्मा गर्म अभी खा लो, फिर मैं और हस्बैंड रह जाएंगे, फिर मैं बाद में बना दूँगी गर्मा गर्म पराठे। तो मम्मी खाए नहीं थी तब तो हस्बैंड आ गए, फिर मैंने कहा तुम भी खा लो। फिर गाइस मैंने अभी 2 पराठे खाए थे, 2 नहीं मतलब 1.5 खाया, आधा ख़त्म नहीं हुआ मुझसे। मेरे को ना कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता है पूरा। और हो सकता है मे भी मैंने मूंगफली उफली ये सब उल्टा सीधा खा लिया था, शायद इसलिए नहीं लग रही होगी भूख मेरे को ज़्यादा। और गाइस पता है आज मैं और मम्मी छत पे गए दोपहर में लगभग 1-2 बजे लगभग, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं खाना खाने के, लगभग 3-3:30 बजे आते हैं। तो मम्मी ने कहा चलो ऊपर धूप में बैठेंगे, क्योंकि मैं नहा के आती हूँ ना तो मुझे ठंड बहुत लगती है। तो मम्मी मुझसे बोलती हैं कि थोड़ा धूप में बैठाया करो, तो मैं जब नहाई थी तब तो गई नहीं, पर फिर बाद में मैं गई और जो धूप लगी वहाँ पे ऊपर मुझे मज़ेदार, मेरे को इतनी छींके आ रही थी धूप में। मैंने मम्मी से कहा मम्मी यहाँ नॉर्थ का वेदर देख रही हो कैसा है, जब यहाँ पे धूप पड़ रही होती है गर्मियों के टाइम तो इंसान को समझ नहीं आता कहाँ जिए क्या करें जो ये धूप से बचना हो जाए, इतनी गर्मी होती है। और सर्दियों में इंसान सोचता है कि धूप थोड़ी सी लगे बॉडी को। मैं और मम्मी बालकनी में बहुत देर लेटे थे, और पता है धूप में जब भी लेटो तो नींद आने लगती है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको गुड नाइट कर रही हूँ, बिकॉज ये वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे गुड नाइट करना बनता है। तो चलिए गाइस मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। ये मेरा एक जस्ट माय ब्रेकफास्ट टू डिनर रूटीन था, कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से कल, अभी के लिए सायोनारा बाय बाय।